नमस्कार जी, नमस्कार। नो 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 मैं कितनी बार बोलूं आप लोगों को कि मैं बीमार चल रहा हूं, बीमार चल रहा हूं, बीमार चल रहा हूं, बीमार चल रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं जी, एक एक जगह पे ऐसी ऐसी जगह दर्द हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। शरीर तपता रहता है, थकान सी रहती है, 24 घंटे मेरा मन करता रहता है बस लेटा रहूं, बिना कुछ खाए पिए लेटा रहूं, और खाता हूं खाना वाला लगता नहीं है, लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा क्या क्या होता है मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूं। 4 दिन से वही वाली मशीन पे चढ़ रहा हूं जिसमें हमेशा वजन कम आता है, उसमें और भी कम आ रहा है मेरा। जब आया था तो 70 किलो का था और अब इस समय मैं 65 किलो का हो गया हूं। जेल प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है आपको। ब्लड प्रेशर में भारी गिरावट आ रखी है मेरे, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं जी आपको सिर्फ यहां से बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हो आप, तो उसको उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। अरे तो करूंगा नहीं क्या यार मैं, यार मैं सिसोदिए, यार मेरी बात सुन ले यार, कुछ नया यार, तू तो पढ़ा लिखा है यार, तू एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली का, तू बताना यार, तू कोई नई तरीका बताना कि किस तरीके से तो मैं बाहर जा सकूं। एक काम करो, यहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं ना वेट वाली, उनके वजन और कम, जिसमें वजन कम आता रहे वो करवा दो, 54 तक करा दो यार। मैं बोल दूंगा 10-15 किलो मेरा वेट कम हो गया जी यहाँ पे। अरे तोंद का क्या है यार, तोंद तो तोंद ही रहेगी। अब ये और सोच रहा हूँ कि जो मैं जब एंट्री की थी मैंने जेल में, तो मैंने अपने पॉकेट के अंदर करीब 3-3 किलो के लोहे के वो छल्ले डाले हुए थे, जिनसे 3 किलो बढ़ गया था उस समय पे, 72 आ रहा था, 70 आ रहा था, याद नहीं मेरे को। अब वो निकाल करके दिए तो 68 आ गया था मेरा। तो उस तरीके से कुछ करना पड़ेगा भाई, वरना तो ये निकलने नहीं देंगे भाई यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम उनको बोल दो मेरा HIV पॉजिटिव बिगड़ गया, बोल दो जो भी है, बोल दो, बस बोल दो इनको जो बीमारी है वो कैंसरस है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनको ये भी बोल दो कि केजरीवाल जी जो है ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं अगर इनको अंदर रखा तो, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए बाहर, वो भी अस्पताल में, वहीं वहीं उनको जमा कर दो। हाँ एक ये मेरी बीवी है यार। हाँ यार कहता तो सही रहा था रात को, मैं ये मेरी बीवी भी नहीं चाहती, मेरे को लगता है कि मैं बाहर आऊँ, तब खाना ठूस ठूस करके पनीर की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी की, ये खाओ वो खाओ, नॉनवेज भी भेज देती है। मैं कह रहा हूँ मुझे वजन कम करना है, ये वजन बढ़ाने वाली चीज़ें भेजती रहती है मुझको, ऑयली खाओ, ये खाओ वो खाओ। अभी मैं नहीं खा रहा यार, यार कोई दवाई वगैरह ढूंढ के बताना जिससे भूख ही ना लगे और वजन कम होता रहे। अब मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, वो प्राणायाम वगैरह, उस दिन ज़्यादा हो गई तो खांसी हो गई, खांसी हो गई मेरे को उस दिन। मैंने कहा भाई मेरे को फेफड़ों में भी दिक्कत हो रही है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, तब भी नहीं मानते यार ये लोग। आप बताओ जी मैं क्या करूं, आप बता दो, वही कर लूंगा। अच्छा खासा हट्टा कट्टा ICU में आया था, और अब देखो कट्टे में से वजन कम हो गया और हट्टे में से हट्टा कम हो गया। मुझे लग रहा है मुझे बेंगलोर जाने की जरूरत है एक बार फिर से। वहाँ नो नो पे अच्छी थी लेडी, ट्रीटमेंट वगैरह बहुत अच्छा था, लेडीज भी अच्छी थी। दिन हो गए ना मार्लेना से मिल पा रहा हूँ, ना स्वाति से मिल पा रहा हूँ, ना बीवी से मिल पा रहा हूँ, किसी से मिल ही नहीं पा रहा हूँ, और जितनी थी उन सभी नहीं मिल पा रहा हूँ। जेल में बेचारी कब तक आती रहेंगी हैं? या तुम एक काम करो, बोल दो इनका पेट का बाईपास करा दो। हाँ कुछ भी बोल दो यार, मेरे को निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ की दीवारी देखते ही मुझे कोफ्त हो रही है यार। अरे तो करना, कितना इंतजार करूं मैं, पड़े 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 मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई कुछ करा दो यार, मुझे यहाँ से निकाल लो, वरना मैं यहाँ से ना मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंधों पे ही जाऊँ, ये ना कि 4 लोग मुझे अपने कंधों पे ले जा रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ जी, मैं नहीं चाहता। अब मैं उनको छोड़ो, मैं आपसे बोलता हूँ कुछ ऐसा प्रबंध कराओ कि मैं यहाँ से निकलूँ और निकलने के बाद स्वस्थ हो जाऊँ। देख रहे हो आंखों के, देख रहे हो आंखों के नीचे काले गड्ढे देख रहे हो मेरे, ये देखो यहाँ से, यहाँ से देखो आप, ये वाले काले गड्ढे दिख रहे हैं आपको,
कलर से तो ब्लैक हूं ही, उसके अलावा भी अब मैं डार्क ब्लैक होता जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ओह नो। अच्छा भला सही जिंदगी चल रही थी बाहर, लेकिन वही है ठूस दिया अंदर, बस अब ठूस दिया तो ठूस दिया, क्या कर सकते हैं यार। सिसोदिया काम कर, सबको बोल दे बाहर अनशन कर दो, ये मार लेना, नहीं तो टाइमिंग रखे हुए हैं, एक टाइम आती खाना वाना खा करके ब्रेकफास्ट करके फिर खाना खाने चली जाती है, फिर शाम को आती है, फिर रात को चली जाती है, यार पता नहीं क्या करती रहती है ये। अरे मैंने कहा कि यार तुम ऐसा काम कर लो ना, जैसे मैं पिछली बार धरने में बैठा था अन्ना जी को बिना बताए, मैंने क्या करा था पता है, मैंने वो जहाँ लेटा हुआ था ना उसके नीचे मैंने गड्ढा बनवा लिया था, वहीं से आ रहा था मेरे को जूस वूस ये वो, पीठ तो मेरी लोगों की तरफ थी, इधर से ये सट सट चल रहा था सही। अब यार ये भी ऐसी कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना बाहर आना मुश्किल है मेरा। ठीक है चलो देखो जो भी अब करो यार, वरना जेल की सलाखों में जेल के अंदर पड़े पड़े ना मैं बस निपट ही जाऊंगा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। सीएम अच्छे इंसान थे ऐसा मेरे कानों में रोज एक सपना आता है, एक ऐसी कोई आवाज़ आती है जिसमें आता है कि अच्छे थे आदमी थे बड़े, थोड़ा और जिंदा रह लेते तो पीएम भी बन सकते थे। चलो क्या ही कर सकते। ठीक है भाई दे दिया वीडियो, ठीक है बना दिया इन्हें वीडियो, भाई बना देगा अपने हिसाब से, मेरे को ज़्यादा पंगे नहीं चाहिए मैं बता रहा हूँ पहले। हाँ जो कर दिया कोई दिक्कत नहीं अपने को। अरे लाओ ना मेरा वो डाइट फ्री खाना लाओ भाई लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके बाय बाय चलूँ। हाँ हाँ कर दो वही, पर बाहर निकालो यार कैसे भी निकालो, ठीक है जैसे बोलोगे वैसे एक्टिंग कर दूंगा, ठीक है ना चलो ओके ओके। अरे सिसोदिया आज बोतल खोलते हैं यार, बड़े दिन हो गए, जिसने हमें अंदर पहुँचाया अब हम उसको बाहर निकालते हैं ना, खूब रंग जो खूब जमे का रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, सिसोदिया जैन और केजरीवाल, वाह हो जाए।